मैम गुरप्रीत कौर जी, इटली बीते तो पेंडे बारी शहर है और इंडिया होशियारपुर तो। पैंडोरा नू गुरप्रीत साहबा नू बहुत बहुत मेरे कांग्रेचुलेशन जी। जी। शुक्रिया जी। हाँ गुरप्रीत जी, साहबा जी थैंक पास यू हुए ने, भाई, थैंक यू। स्टूडेंट बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। सर जी पहले सब तो तुहानू मुबारकबाद, फिर भैन जी रानू मुबारकबाद, बहुत बहुत थैंक ज्यादा यू, सारी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हाँ जी, पहले अस्सलाम सार होना वालेकुम। नु बहुत बहुत। आमीन आमीन। थैंक यू। गुरप्रीत साहबा पास हुए ने जी, माशाल्लाह। देखो जी साढ़े सर जी रन दे मतलब कोई स्टूडेंट पास होवे तो सानू दिली खुशी हुंदी है, क्योंकि असीं भी आमीन इन्हां दे आमीन। स्टूडेंट, एक दिन असीं भी हो जाऊंगा जरूर इंशाल्लाह। जरूर। हाँ जी, अस्सलाम जरूर वालेकुम जरूर। सर जी, आपका भी मुबारक और बहन जी का भी। वालेकुम हाँ अस्सलाम जी, वारिस थैंक यू साहब, थैंक यू। शुक्रिया जी। पैनोरी पास होए ने रिया सिंह, नए आईडी दा। अच्छा गुरप्रीत साहब जी सुनाओ, ठीक रहा पेपर? आज पास हो गए हो, तुसी काफी डरे हुए सी कि जी सर हाँ की जी, बनेगा। हाँ जी सर जी, बढ़िया हो गया पेपर, मुझे तो सौखा ही सी। अच्छा हाँ जी, जी, सुखविंदर साहब भी मुबारक दे रहे ने जी, बहुत हाँ जी, शुक्रिया थैंक यू सुखविंदर थैंक यू, साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा पेपर इजी सी भैन जी? हाँ जी सर, इजी सीगा, इन्ना टाइम नहीं, 5-6 मिनट लग गए हैं इस केदे नू। 5-6 मिनट्स के दा हो गया। ठीक है हाँ जी। जी, और सिर्फ एक मैं बैठी गई जिदा, क्योंकि मैनू बंद करन दा थोड़ा वो नहीं सीगा आ रहा, जिदा एंड तक सिर्फ दो अच्छा बारी क्यू दी रह गया सी करने नू कंप्यूटर नू। ठीक है जी। हाँ जी, तां फिर मैं उन्हां नू कहा जिदा जेडे बिच सी घूमदे, मैं कहा वी इहनू जिदा हो गया एन बंद हो गया, कहिंदे नहीं हजे नहीं होया, एक बारी होर करो क्लिक। ते अच्छा फिर हाँ जी, फिर ठीक है। इदा फिर उन्होंने दस्या, फिर मैं करके जिदा इस मैं वक्त ना मेरा टाइम ज्यादा लग गया थोड़ा, जिदा उदा पांच ठीक मिनट हो गया सी तकरीबन। मैं नोट कर लिया गुरप्रीत जी। असी ना एक वीडियो बनाने हैं स्टूडेंट नु, ताकि दस्या जाए वीडियो दे ग्राफी दे जरिए कि भाई बंद इंज करना है। हाँ तो जी अच्छा सर, तुसी शुरू, दस्या। हाँ जी सर, शुरू दे विच भी दसना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती जाके आले दुआले देखता बंदा ना, भी की करना है हुण असी, है ना। और किस चीज च मुश्किल आई तुसानू? सिर्फ यही स्टार्ट और बंद करने च प्रॉब्लम मैनू, यही जानी मैं स्टार्ट देखती रही आले करें। दुआले भी की करना चाहिए ना हुण। ओके ओके, जरूर। असी हाँ स्टूडेंट नू अच्छा कीता तुसी दस्या, इहदे बारे हाँ रहनुमाई जी, थोड़ा करांगे। यूट्यूब यूट्यूब तो उदा मैं देख के गई सी वे, है ना, किदा ऑन करना है, अच्छा पर जे असी थोड़ा ज्यादा देखी जाइए ना, फिर ज्यादा एंड ते ही मैं देखिया 2 दिन पहला हाँ ते। हाँ जी, शुरू करना देखिया सी, पर जिदा बंद करन दा नहीं सी मैनू पता लग रहा। हाँ जी, गुड गुड, चले मैं नोट कर लिया जी। अच्छा मन दसोगे प्लीज कैसा रहा पेपर तुहाडा, सवाल कैसे आए ने? सवाल सर इजी सी, कोई एडे क्वेश्चन बड़े नहीं सी, जितना काफी ज्यादा औखे जड़े सी वो तो आए नहीं है, सौखे ही आए सारे। सोखे आए तो सानू इस वजह तो गुस्सा ते नहीं चढ़िया कि मैं इतनी मेहनत की और इन्हें सोखे सोखे सवाल मैं देता। हाँ जी, ओ ही यही सोचा भी जड़े औखे सी वो इन्ना याद कीती सी ना, माशाल्लाह बे माशाल्लाह। जाने आए नहीं है कि कोई भी। देखो जी बहन जी स्टूडेंट मैं साड़ी एने को डिफरेंट लग रहे हैं सर जी, जी जी बहन जी आजी उन्हें तैयारी सी तां करके इन्हां नू तैयारी सौखे फुल लगदे सी। जे, हाँ यानी फिर अगर वो स्टूडेंट नू सोच मतलब है इतनी को तैयारी करके जाते ने कि इन्हों का दिल होंगे कि औखे औखे सवाल आन। भैन जी जे आ गए हो तो फिर नहीं असं अप्लाई कर देने दोबारा पेपर। सर जी, बस अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सबके साहब सलाम, बहुत बहुत अच्छा। मुबारक मैम और अनु सर जी, हाँ तुम्हें भी जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत। जजाकल्ला। पैनोरी माशाल्लाह पेपर पास करके आए ने और कह रहे ने सवाल बहुत इजी सी। की कह सकते हो, गलतियां का पता लग गया जी? नहीं सर, हजे नहीं, गलतियां ना नहीं पता, सिर्फ उन्होंने पास होए दा पास दस्या। होने का पता चल गया। हाँ जी, ठीक है कहंदे जी। भी मंगलवार नु आयो, जिदा मेरे नाम ते जिदा गुरप्रीत ते, है ना, फिर मंगलवार नु देणगे रोसो फोलियो, फोलियो हाँ रोसो। हाँ पास होने जी, वास्ते की बोलिया तो सन उन्होंने? परमेसो सर जी, हाँ हाँ जी, प्रोमोसो, प्रोमोसो लफज परमोसो। है हाँ जी ते हाँ परमोसो भी जी, कह लेंदे ने। बहरहाल इदोनिया स्टूडेंट कई बारी कहंदे ने, कई बारी पस्सा तो कह लेंदे ने और प्रोमोसो भी कहंदे ने, है ना? तीन लफज याद हाँ जी। रखने ने। मैं बनाना मेरे है नाल तो सर वीडियो इटालियन ये गए सी, सारियां फिर वो चीजें। उन्होंने देखा जाके अंदर, ते वो कहते पास अच्छा हो गए। अच्छा हाँ जी, जी, खुशी का की नारा मारिया फिर तुसी इस टाइम पता लगा? पूछो ना सर जी, पता ही नहीं लगे केनू के मैं पास ना। वही हाँ खुशी जी तो फिर होंगी है, ये मेहनत दी हाँ खुशी होंगी जी, है। चलो थोड़ी सर अलहमदुलिल्लाह, जी, थोड़ी ज्यादा सर जी, बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत मेहनत कराई शुक्र तुसी, शुक्र बहुत दिया जी। बढ़िया पढ़ाने, अंदाज बहुत बढ़िया है। पहले महीने हाँ सर जी थोड़ा लगता है बे, हाँ, किताब दा जानी उपर दी ऐदा नक्शा दी कुछ नहीं जानी, हजे जानी पता लगा ना बे कित्थे फंस गए जा ना। जी, फिर शुरू तो थोड़ा। दूजे हाँ महीने, दूजे महीने लग पेंदा, हाँ बे कर सकदे हां, कर सकदे नु।
हाँ हाँ, जी जेड़े मीडिया ते दोस्त भैन भाई सुन रहे ने, ये चीज नोट करो। भैन होरी कह रहे ने कि पहले महीने मतलब इंज उतू दी गल्लां लंघदियां ने, कोई समझ नहीं, लेकिन दूसरे महीने तसल्ली होना शुरू हो जाती है कि हाँ हुण समझ आ रहा है, हो जाने काम। इस वास्ते सोड़े ना पव्या करो। कई स्टूडेंट इतने ज्यादा फास्ट फैसला करते ने जी, 2 दिन प्रोवा करके उत्थे ही फैसला कर लेंगे ने कि मेरे को नहीं आना। भाई ये ते वाकई औखा काम है ना। जिन्हें भी साहब बैठे ने इन्हें क्वालिटी यही है कि ये हिम्मत कर जाने वाले ने, बस ये नारा मार जाने वाले ने, ते हो हाँ जाता है इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी भैन जी, कह सकते हो सवाल सारे चैप्टर चो आए सी या कुछ किसी चैप्टर चो नहीं भी आए? नहीं सर, काफी सी जना चो नहीं आई हैगी, पतेंते चो नहीं आई हैगी पतंते चो नहीं आए। जेडे। हाँ जी पतंते सर जी, ये बहुत प्रॉब्लम हुंदी जेडे पहले चैप्टर दे विच है ना, तीन हैगी है पतंते दे सवाल ए बी सी वाले पहले चैप्टर दे विच, उन्हां नूं असीं थोड़ा देखदे नहीं क्योंकि वो जेड़े दूसरे है ना लसांस वाले जेड़े ए बी सी सारे आठों है ना, जी वो तीन सवाल अलग हुआ पहले चैप्टर दे विच, उहदे विचों सर जी एक मैनूं आ गया जिदां ते। हाँ जी माकी ने एग्रीकल ले जानी उहनूं फिर मैं अवेयरो कर दित्ता चैप्टर भी वन च पास फिर आया सीगा। सी तुहानू है ना? हाँ जी प्रीमो च पहले चैप्टर चो आया सीगा। हाँ जी सर जी, अच्छा चलो हाँ जी, वेरी जी गुड। तुहानू इस पढ़ाई च और भी हेल्प की थी घर बच्चिया ने या किसी और घर दे जी नहीं बंदे ने? सर मैं कली नहीं पढ़ना, कोठी बस कल्ले सारा पढ़ते दिन सी। सारियां क्लासां लाउनियां जानी, बस अच्छा होर कोई जानी कुछ नहीं सी, बस यही सी मैं पढ़ना ही है पढ़ना ही है होर कुछ नहीं हाँ, सी। मैं स्टूडेंट्स नू एक ऑफर देंगा, अगर पसंद करो तो तुसी फिर ना लिखवा दियो। जेड़े स्टूडेंट जेंट्स चाहते ने ना कि मेरा ग्रुप बनाता जाए सर किसे फ्रेंड नाल, जेड़े के जेंट्स दा जेंट्स ना ग्रुप बनाता जाए, लेडीज दा लेडीज नाल, ते वो भी तुसी ना लिखवा सकते हो मैडम होरां नू। असी फिर जेड़े जेड़े पॉसिबल है तुहाडा ग्रुप, सिर्फ दो दो या तीन तीन बंदियां दा ग्रुप बना देंगे। उहदे च ऐ हो जाएगा कि तुसी शेयर कर सकोगे कि यार मेरियां जैनियां गलतियां आईयां ने, तेरियां किनियां आईयां ने, मेरियां नहीं, किन्ने सकेदे कीते ने। एक ना तुहाडा वो ज्वाइंट ग्रुप स्टडी हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा। मैं दो तीन साहबां दा बनाया भी है, दो लेडीज दा बनाया, उदास रहियां ने कि बड़ा सारा अच्छा हुण ते हो गया, चलो एक दूसरे नूं असी थोड़ा बहुत। क्यों जी गुरप्रीत जी, ठीक है ना, इस तरह होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल सर जी, कई कुछ पता लगता है सानू, हाँ, काफी गल्ला दूसरा एक दूजे तो दसेगा पता कि लग। भाई मैं ए हाँ निशानियां जी कढ़ियां नहीं, अच्छा मैं, क्योंकि तुसी इकट्ठे चल रहे हो, सानू हाँ ये जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में पढ़दा सी, उत्थे ये चीज कीती जांदी सी, साडे ग्रुप बनाते जांदे सी और सानू बड़ा फायदा हुंदा सी। हाँ ते जी स्टूडेंट्स के ख्याल है तुहाडा, बैठे हो क्लास च, जरा माइक खोल के दसो, ठीक है ग्रुप सर अपना जी सुन? मुश्किल हाँ जी हाँ जी, बना दो जी बना बैठे दो हो जी, क्लास ल... ग्रुप होने चाहिए। बिल्कुल सर जी ये तो काम हाँ, ठीक है। दो या तीन लड़कियां दा मतलब होएगा, ये नहीं कि सारे फिर तुसी डिस्टर्ब पे हो, वो इंज दा नहीं काम करना। और लेडीज दा सिर्फ लेडीज नाल, एक दो लेडीज दो तीन तीन इंज इकट्ठियां कर देंगे असी, ताकि फिर एक दूसरे की हाँ हेल्प जी करते हैं, पास होने तो बाद भी फिर हेल्प करते रहेंगे, अच्छा होएगा। चलो गुड हो गया, मैं नोट कर ली ये भी गल कि अस्सलाम ग्रुप्स बनाते जान तुहाडे। वालेकुम असलाम जनाबे वाला। सर, जो वीडियो आप कहते थे भाई आपको मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की। हाँ, वीडियोस का ये है कि जब आपकी फीस कंप्लीट आ जाएगी तो हम पूरा लाइसेंस वीडियो शक्ल में दे देंगे, जी और लाइव क्लासें तो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन जब आपकी किस्तों में फीस है, अभी आधी आई है, तो पहले हम 5 चैप्टर भेजेंगे, और सही, जब आपकी फीस कंप्लीट आ जाएगी फिर सारी बुक ही भेजेंगे, बाकी कोई लाइव बहुत क्लासें तो आपकी चल रही है। ठीक है जी, शुक्रिया ठीक सर। है जी, सर आकाश सच्ची बात, अभी कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन ये इंशाल्लाह कि आएगी। अभी स्टार्ट होंगे, आप कितने दिन हुए? चार मुझे तो अभी 4-5 दिन हुए हैं शायद। 5 दिन। आकाश भाई माशाल्लाह, आपका नाम बड़ा पसंद आया मुझे तो। अच्छा आकाश, आपको इंशाल्लाह अभी 20 दिन और चाहिए। वो हमारी सिस्टर बता रही थी कि पहले महीने उत्तू दी गल्लां लगदियां जी ने इस वास्ते बात है, माशाल्लाह बड़े ब्रावो है हो जेडे के हिम्मत कर गए हो। देखो स्टार्ट तो पहले दिन तो रिजल्ट नहीं निकलता, कुछ आस्ता आस्ता काम आएगा। की वजह से ये होता है ना कि शाम को वापस आते हैं, उसके बाद फिर ये है कि 1-2 क्लासें ले सकते हैं। हाँ क्योंकि देखें न्यू जुबान न्यू किताब, और आप भी न्यू स्टूडेंट, 20 20 साल से हमने स्टडी छोड़ी भी हुई है, ये भी चीज बड़ा मैटर करती है ना, सही उस बात, वो उतरने उतरने में भी हफ्ता लग जाता है पढ़ाई वाला,
वो जो बगैर पढ़ाई वाला संग चढ़ गया। जी ये तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, हाँ मुझे भी थोड़ा पहले तकरीबन 1 हफ्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। एक हफ्ता, ये बड़ी हिम्मत की बात है यकीन के और बावजूद। अभी मैं लेकिन दूसरे चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक मैं करता हूँ, 11वें चैप्टर तक हाँ 4-5 गलतियां आ रही हैं। चार पांच, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप समझ नहीं भी आती है ना, जो आपका तरीका है किसी का नहीं है। मैंने पहले ट्राई किया है ना, एक और दो तीन पतिंते वाले थे, लेकिन आपका तरीका जो है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जज़ाकअल्लाह कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बत भी है साथ साथ, इस वजह से आपको ये तरीका भा रहा है, समझ में आ रहा है। चलें जी सलाम अलैकुम माशाल्लाह। सर जी। वालेकुम अस्सलाम जावेद साहब, वेलकम जी। जी सर जी, मैं बड़ा मुतासर है लड़के तो जेड़ा कह रहे अभी 5-7 दिन हो ते कुछ समझ नहीं आ रही, हाँ थोड़ी जी ना जी वास्ते मैं जरा जरूर जरूर, गल जावेद करना साहब कुछ चाहूंगा। कहना चाह रहे हैं। इन्हों मैं रिक्वेस्ट करांगा कि ये हालात सब दे होंगे जी 5-10 दिन, ये नहीं कहूँगे असी 15 दिन दे विच असी पूरा चैप्टर मतलब है पूरा कंप्लीट असी मतलब जीरो ते आ जाइए, इस तरह नहीं होना। भाई इन्हों नू चाहिए कमो पेश 20 तो 25 दिन इन्हों नू बिल्कुल नहीं समझ आने, जो हाँ 20 दिन 25 दिन गुजरनगे उस तो बाद इन्हों दा छोड़ना मुश्किल हो जाएगा ये मेरे नजरे च। अच्छा माशाल्लाह बहुत सर नाइस, जी मैं हकीकत दस रहा। 100% गल ठीक अच्छा दूसरी गल मैं दसा तुहानू जिहड़ी मेन चीज है, जी जरूर। सानू मैनू तकरीबन 12 साल हो गए जी इटली दे विच, ठीक है जी, और सर जी मैं यकीन नाल तुहानू दस रहा कि तुहानू पता है भी पाकिस्तानी असीं जिहड़े आए वा साडा जिहड़ा शोबे च काम आउंदा साडा उस शोबे तो इलावा कोई जुबान सानू नहीं आउंदी, जिस शोबे च हाँ काम आना वो ही शोबे दी सब जुबान आउंदी। ओदे लफ्ज़ कुछ याद हो जांदे ने। ठीक है जी, हुण मैनू ये मैं बहुत दस बारह साल दे विच बहुत दस राइट गल बारह साल कीती दे है। विच दस बारह सालां दे विच मैनू ये नहीं सी पता कंदू चैंते किनू कहंदे, ड्राइवर किनू कहंदे, ब्रेकां किनू कहंदे, मतलब ये के सुरपासो किनू कहंदे, चौक नू की कहंदे, समाफोरो किनू कहंदे। मैं ईमानदारी दी गल है मैनू 12 सालां दे विच ये नहीं सी पता। अल्लाह ठीक है जी, और हुण मैं 1 महीना ते तकरीबन 4-5 दिन होए जे, 1 महीना 4-5 दिन होए मैं अपनी शॉप ते बैठना ते मैं सारा दिन मतलब स्टडी करदा और मेरा इतनी बेचैनी बन जाती है मैनू, क्योंकि मैं दस मैं सिर्फ शौक दा 20 दिन 25 दिन गुजरन के ना तुहानू शौक पै जाएगा। मैं घर आना मेरे बच्चे मैं कहते हैं पापा तुसी छोड़ दो की सारे भी करो गलबात, मैं सब बच्चे 1 महीने 2 महीने की गल है जरा हाँ सबर कर बिल्कुल जाओ। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह ते मैं इन्हें वास्ते यही करांगा कि जेडे 5 दिन 10 दिन आले कह रहे हैं जी सानू असी याद नहीं हो रहा, और जो 20 दिन 25 दिन गुजरनगे जो महीने मीनिंग की समझ आनी शुरू हो जाएगी यकीन करो कि कहेंगे कि असी गलती सोच गलत सोच ही साड़ी जड़ी कहते सी हफ्ते सानू समझ नहीं आ रही। हाँ बहुत शानदार कर जी 100%। दूसरी गल है सर जी, मैं तो पहले दस रहे कि मैनू मीनिंग वगैरह कुछ नहीं सी आंदा, जो मैं तो ज्वाइन किया उस वक्त मैं आम आम अपनी रूटीन मेरी 14 तो 15 गलतियां आंदियां सन, अच्छा 14 तो 15 गलती। फिर मैं कुछ दिनों तो बाद 10 दिन बाद 12 दिन बाद ट्राई की, मेरी गलतियां जड़ी 8-9 ते आ गई 10-12 दिन। माशाल्लाह और इस वक्त सर जी मैं स्क्रीनशॉट भी लै जे अपने मिक्स वालों के, 1 महीने दे विच इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 गलतियां जे 1 महीना जे चार पांच दिन जितने चैप्टर पढ़े ने उन्होंने विचों जेडे मैं पढ़े ना, अजे मेरे चैप्टर मुकम्मल नहीं हुए जे, अजे मैं अज 17वें चैप्टर नू चलिया जे, अच्छा ते पूरी अजे बुक ना मेरे कर दियो ते 3-4 आंदियां ने या जेडे पढ़े ने 17। ना 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 सर पूरी बुक दे अच्छा बहुत नाइस प्रोग्रेस है। वजह सर मैं दसा सारे स्टूडेंटा नू बड़ी अच्छी खुशी होएगी, ओदी वजह ए वे कि जेडे अजे मैं चैप्टर पढ़े भी नहीं ना ओदी मैं क्यों गलत ठीक कर लेना, वो एक करदा जदों पढ़ाई करी थी ना कम अज कम पढ़ लेने असी इतना पढ़ लेना मीनिंग पढ़ ले दे। और तुझे कहते हो भी एक लफज वेखो भी एक आया जी सुरपासो का लफज आया भाई फलानी जगह ते तुसी सुरपासो करना वो अच्छे लफज बोल रहा है एहतियात करो इस तरह करो, जब वो तुसी कर अच्छा लेते हो ना उस टाइम तुसी वेरो फालसो कर दे हो, जिस अल्लाह टाइम एहतियात की गल कर दे हो वो मैं कर लेना ठीक ठीक जी। फिर मैनू ये को नहीं सी पता कि तुसी दस्या सी कि एक लफज माई या इस तरह के जेडे लफज अक्सर फालसो आने, वो सर जी मैं किते तो मैं ट्रेस किते कि वो एक वेरो च भी आया,
हाँ वो बिल्कुल आया वीरोच एक बार, ठीक इसका वीरोच आया। उस तो अलावा एंटे सरकारी दफ्तर जेड़ा ओदे च भी ओ फालसो च भी आया। हाँ ओ एक मैं सर जी ओना दी ना स्क्रीनशॉट ले लै, मैं के भी पहले मैसेज तोनू भेज के मैं पूछ लवांगा कि ओ मैं स्क्रीनशॉट ले लै, मैं के भी कम से कम इस चीज नु से दोबारा करी कल नु एग्जाम दे विच आवे एग्जाम च सानू। मैं तुहाडी गल नु अगे चलाना, बहुत शुक्रिया जावेद साहब ने स्टूडेंट्स नु एनकरेज कीता, उस लफ्ज़ाई कीती एक सर, और मैं इन्हां नु कहांगा कि बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत ना हारो। और मैं सब तो वड्डी गल है कि अल्लाह दी जात ने अगर तुहानू इस पासे लाया है ना, ये सिर्फ रब दी मेहरबानी है, तुसीं इस पासे आए हो और इंशाल्लाह रब भी तुहानू इंशाल्लाह पार करेगा, पार करेगा। अल्लाहुम्मा आमीन, बेशक अल्लाह ताला दे जिस बहुत मेहरबानी साथ। थोड़ी सॉरी कि टाइम मैं ज्यादा ले लिया स्टूडेंट ने, उन्होंने जावेद साहब दी गल्लां सुन के स्टूडेंट नु हौसला अफजाई मिली। मैनूं खुद बड़ी खुशी हुई है कि स्टूडेंट सवालां दे नाल किस तरह जिस तरह मकैनिक नहीं पेचकस लैके मशीनरी का इलाज कर लैंदा, ऐ तुसीं सवालां नूं फड़दे हो और उन्हां दा इलाज करदे हो, क्योंकि 17 चैप्टर होए ने और टोटल 25 ने, अगे सत चैप्टर जिहड़े आ रहे ने वो ज्यादा मुश्किल ने, लेकिन तुसीं उन्हां नूं हल कर रहे हो क्योंकि तुहानूं एक तरीका आ गया और ये मेन चीज होती है। अच्छा जी माशाला, एक वैबसाइट है स्टूडेंट्स, उन्हूं असीं कहने आ की सीगा मैनूं हुणे याद आ गया, मैं दस देना ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਰ ਹੋਏ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੋਲੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚਲੋ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਣਗੇ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਐਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਦਿਮਾਗ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚੇਰਕਾ ਕੁਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਸ ਐਪ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚੇਰਕਾ ਕੁਇਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਰਚ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੇਰ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਗੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਵਾਲ ਦੇਗੀ ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੇਰ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼, ਰੈੱਡ ਦੇ ਦੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੇਮ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਰਕਾ ਕੁਇਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਮੈਂਟ 'ਚ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ,
उन्होंने कहो कि हाँ मैं अद्धा पढ़िया होया काफ़ी सारा थोड़ा तुहाडे नाल भी पढ़ांगा लेकिन मैं महीने एक दे विच विच मेरी तैयारी हो जानी तुसीं डेट दे सकते हो लैके जे वह कहे कि हाँ हो जाएगी तुहाडी डेट 15-20 दिन की असीं लैके दे सकते हैं फिर उत्थे एडमिशन करा लो नहीं तो ना कराओ पुछ लो पहला किसी भी आटो स्कूल वाले को जे तुसीं उधरों करनी है जे तुसीं मोटरीजा सियोने के जरिए करनी है तो वो दो तरीके ने एक तो ये कि तुसीं आपे ही घर बैठ के अजकल ऑनलाइन ही दे रहे ने वो करोना करके घर बैठ के तुसीं उन्हां दी वैबसाइट च जाके तो नंबर कढ़ के और उन्हां दी मेल कढ़ के उन्हां नूं मेल करो फोन करो फोन नहीं चुकते ज़्यादातर मेल के जरिए जवाब दे देंगे ने अगर वो ना देन तो कोई गल नहीं तुसीं दो चार दिन बाद फिर मेल करो फिर मेल करो फिर मेल करो आ जाएगा जवाब दूसरा तरीका है वे जिहड़ा मैनूं पसंद है कि तुसां किसे अपने पिंड शहर दे विच उत्थे काफ वाले दफ्तर बनाए ने साडे पाकिस्तानी इंडियन भाइयों ने 37 काफ इंज दे तो उन्होंने को जाओ उन्होंने कहो कि भाई मैं यह डेट मैं लैनी है तो मतलब मेरा यह शहर है मेरा घर तदन कीता है तो वह जनाब तुम्हें लै देंगे उन्होंने पता होंगे मेल किंज करनी है की करना है जब जवाब आएगा वो आपे ही तुम दस भी देंगे कि भाई तेरा जवाब आ गया 10 यूरो लैनगे है ना तो यह हिसाब है तो बाकी साडा भी काफ वाला ऑफिस है गया बलोनिया वह भी नंबर असं शेयर कर देने मैं अपने स्टाफ में भी कह देंगा वह भी तुसा की हैल्प करेंगे ठीक ठाक ठीक है जी ए तरीकाकार है बहुत शुक्रिया गुरप्रीत साहब तुसी कुछ कहना चाहो लेडीज सुन रही ने माशाल्लाह साड़ियां भैणा क्लास च भी बैठिया ने वैसे तुसा कुछ दो चार गल्लां दसियां ने कि क्लासा ज्यादा तो ज्यादा लाओ और बाकी उत्थे जो प्रॉब्लम आए ने उहदे ते असीं इक वीडियो बना देंगे ते मजीद लेडीज मीडिया ते बैठिया ने कुछ कहना चाहो तो जरूर कह सकते हो जी माइक दोबारा खोल लो जी जी माइक खोलो रिया जी जी अस्सलाम वालेकुम सर जी वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार साहब वेलकम जी अच्छा जी गुरप्रीत जी माइक खोल लो जरा जल्दी प्लीज करिया जी हां जी सर जी मैं तो यही कहूंगी सारी लेडीज नु वे जेडे नहीं करना चाहंदे वे नहीं सानू लैंग्वेज नहीं आ रही असि नहीं कर सकदे पर कर सकदे आ ओ कोई इतनी मुश्किल नहीं तुसी बहुत बढ़िया पढ़ांदे आ सर जी काफी जिदा फर्क पैंदा लैंग्वेज नु भी फर्क पैंदा आ मैं गुरप्रीत जी भैन जी तुसा नाल ना मैं लेडी बन के तुहाडे नाल सवाल करना फिर तुसी मैनूं जवाब दे आ जे ठीक है ओके 2 मिनट भैन जी असी ते घर चो नहीं आवां ते सानू जुबान नहीं आंदी ते किस तरह असी कर लांगे इतनी ज्यादा इटालियन सन ते आंदी नहीं है भी मामला देखना रोटी पानी बच्चा नु देखना घर नु देखना टाइम नहीं जी बनता हांडी रोटी सब्जी नहीं छड़दी ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿੰਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11:30 ਤੋਂ 12:30 ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡੇਢ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚਲੋ ਮਿਸ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ 12:30 ਵਾਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ पढ़ा रहे ने सर पता नहीं किस शहर च बैठे ने असीं किस शहर च बैठी आ ਤੇ ਯਾ ਤੇ ਅਮਨ ਚਲੋ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਨੀ ਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਸਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈ ਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਡਰਨ ਕੇ ਬਈ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੈਂਟਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਈ ਡੀ ਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਡੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਮਿਲਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 100% ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੈਂਟਸ ਇਤਨੇ ਨਾਈਸ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੈਂਟਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਸਭ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਜਾਸਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਲਈ, ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦੀ ਪਸੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਂਟਸ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਪੇਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੀਚਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਲਾ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। 4 ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪੇਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗੇਦੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਆ ਰਹਾ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਅਲੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ? ਆਖੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਖੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 12-1 ਵਜੇ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ
ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾਣ ਤੇ 12:00 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਅੱਧੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੀ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਖਣ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਦ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਜਾਜ਼ੀ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹੈ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਲੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪੱਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੇਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ